किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहिए। पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। दिल्ली के दबाव में, केजरीवाल जी के दबाव में भगवंत मान को नहीं आना चाहिए। आप सुबह से आज हमारे साथ चल रहे हैं, 20-25 किलोमीटर आप चले, आपने अपनी शक्ति, अपना प्यार इस यात्रा को दिया, इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। शुरुआत हमने कन्याकुमारी में की, आज किसी ने मुझे माइलस्टोन दिखाया कि 450 किलोमीटर हम श्रीनगर से दूर हैं, 3000 किलोमीटर से ज्यादा यात्री चले हैं। चलने के टाइम सब यात्रियों के को लगा कि 3700-800 किलोमीटर चलना आसान नहीं है। मैंने भी सोचा, पहले 2-3 दिन में मैंने सोचा भाई 50 किलोमीटर हुए हैं, अब 3800 चलने हैं। अजीब सी बात हुई, 5-6 दिन बाद थकान बिल्कुल गायब हो गई। सुबह उठते थे 15 किलोमीटर चलते थे, शाम को 10-11 और किलोमीटर चलते थे, और फिर हैरान हो जाते थे क्योंकि थकान ही नहीं हो रही। सोचते थे कि ठीक है, आज नहीं हुई, पहले 10-15 दिन नहीं हुई तो 1 महीने बाद होगी, 1 महीने बाद नहीं हुई, 2 महीने बाद नहीं हुई, 3 महीने बाद नहीं हुई, 4 महीने होने वाले हैं अब। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सब यात्रियों की बात कर रहा हूं। रास्ते में बारिश हुई, तूफान आए, गर्मी, पसीना, सब कुछ हुआ, मगर थके नहीं। इसका कारण है, ये हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम आपकी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। आपकी शक्ति हमें पीछे से धकेल रही है, और इसीलिए हम सुबह जैसे फ्रेश उठते हैं वैसे ही हम रात को फ्रेश सोते हैं। क्यों? क्योंकि आपका प्यार, आपकी इज्जत, आपकी मदद हमको मिल रही है। इस यात्रा में लोगों को चोट लगी, हमने बताया नहीं, मगर 5-6 लोग शहीद हुए हैं चलते हुए, शहीद हुए हैं। इस यात्रा का लक्ष्य क्या है? ये सब लोग, और अब लाखों लोग चले हैं, हर प्रदेश में चले हैं, इसका लक्ष्य क्या है? कभी कभी कोई मुझसे आके पूछता है, ये आप चल क्यों रहे हो? इसके 2-3 लक्ष्य हैं। सबसे पहला, किस देश में जो डर और नफरत फैलाई जा रही है, जो भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए यह यात्रा चल रही है। मगर यात्रा में तपस्या की भी भावना है, सिर्फ मैं नहीं, लाखों लोग इस यात्रा पे चले हैं। हम मैसेज देना चाहते हैं, हिंदुस्तान के देखो, सरकार लाइट एक के बाद एक बंद करती जा रही है,
अभी देखो ये भी बंद हो जाएंगी, मगर देखो पहले से सुंदर हो गया ना, ये देखो सुन ली बात। तो मेरा कहना है कि इस तपस्या का क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं हम 3000 किलोमीटर चले हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें रास्ते पे खाना मिला, सबकी मदद मिली, मगर हमसे ज्यादा इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग, इस देश के युवा तपस्या करते हैं। जब एक युवा आईआईटी का एग्जाम को लेने के लिए तैयारी करता है तो वह एक प्रकार की तपस्या है। जब कोई स्टूडेंट 12वीं का एग्जाम लेता है वो तपस्या है। जब किसान अपने खेत में बीज डालता है वो तपस्या है। जब मजदूर इमारत को खड़ा करता है वो तपस्या है। और हमारा मैसेज ये है कि इस देश में तपस्वियों से चोरी की जा रही है। जो तपस्या कर रहा है इस देश में उसे तपस्या का फल नहीं मिल रहा है, और जो तपस्या नहीं कर रहा है उसको पूरा का पूरा फायदा मिल रहा है। किसान का कर्जा माफ नहीं किया जाएगा, मगर हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपतियों का 1 सेकंड में लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया जाएगा। तपस्वियों पे आक्रमण हो रहा है। पंजाब के किसानों ने जब वो सड़क पे खड़े हुए, 1 साल घर नहीं गए, उन्होंने तपस्या की थी। 700 लोग शहीद हुए, उनको मैं तपस्वी मानता हूं। और जब मैंने पार्लियामेंट हाउस में यह सवाल उठाया, मैंने कहा कि देखिए 700 किसान शहीद हुए हैं, मैं 2 मिनट, मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट हाउस 2 मिनट उनकी याद में मौन रखे। सरकार ने कहा नहीं, कोई मौन नहीं रखेगा, कोई शहीद नहीं हुआ। वो किसान क्यों खड़े थे? वो अपनी तपस्या का फल मांग रहे थे। वो अपने खून और अपने पसीने का फल मांग रहे थे। 1 साल बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हां गलती हो गई। 1 साल बाद देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से 1 मिनट बात नहीं की। मैं आपको गारंटी देके कहता हूं, अगर यूपीए की सरकार होती, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते, तो मनमोहन सिंह जी स्वयं जाकर किसानों से बात करते। मैं आपको गारंटी कह के बोल रहा हूं, पक्का। कांग्रेस पार्टी के नेता किसान के पास जाकर कहते, भैया क्या चाहते हो, क्या हुआ? मगर ये सरकार सुनवाई नहीं करती है। तपस्वियों पे आक्रमण, 3 काले कानून, नोटबंदी, गलत जीएसटी, जमीन अधिकरण बिल को रद्द करना, कोविड में जो इन्होंने किया, जो देश के सारे मजदूर पैदल चल रहे हैं उनकी इतनी भी मदद नहीं की, यह तपस्या पर आक्रमण है। और यह देश तपस्वियों का देश है, तो उस भावना की रक्षा यह यात्रा कर रही है। हम चाहते हैं कि जो इस देश में तपस्या करे, जो इस देश को अपना खून पसीना दे, उसकी रक्षा हो और उसको अपनी तपस्या का फल, तपस्या का इनाम मिले। यह है यात्रा के पीछे सोच। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है,
मैंने कहा शुरुआत में, मैंने कहा प्रेस के हमारे मित्रों, मित्र हैं मगर जो मित्र करते हैं वो करते नहीं। 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आपको टीवी पे मिलेगा। कभी आपने सुना मीडिया में, कभी आपने बेरोजगार शब्द सुना है? कभी सुना आपने कि देश में बेरोजगारी है? मीडिया ने कभी महंगाई की बात करी है? कभी नहीं। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। पार्लियामेंट में हम मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं, माइक ऑफ कर देते, कहते पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, अग्निवीर योजना पे नहीं बोल सकते, चाइना हिंदुस्तान के अंदर आ गया उसके बारे में नहीं बोल सकते, जीएसटी के बारे में नहीं बोल सकते, नोटबंदी के बारे में नहीं बोल सकते। इसलिए हमें रास्ता सड़क का अपनाना पड़ा, इसलिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर चले और बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला, बहुत सीखने को मिला। मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी भी यात्री से पूछो, जो हमने पिछले 3-4 महीनों में सीखा जिंदगी भर में नहीं सीखा था पहले, जो आपने हमें समझाया, हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, युवाओं ने जो हमें सिखाया 3 महीने में 4 महीने में, जो आपने सिखाया पहले हमने नहीं, सालों में नहीं सीखा, तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे चोट किसको लगती है? किसान को लगती है, मजदूर को लगती है। बेरोजगारी की चोट हिंदुस्तान के अरबपतियों को नहीं लगती, उनके बच्चों को नहीं लगती, हिंदुस्तान के आम नागरिक के बच्चों को लगती है। इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और नफरत के खिलाफ। मैं भाषण में कहता हूं, फिर से दोहराऊंगा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हम, और सिर्फ मैं नहीं, लाखों हिंदुस्तानी, करोड़ों हिंदुस्तानियों ने पिछले 4 महीने में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। आप देखिए, बीजेपी जो भी कोशिश करे, जितना भी इस यात्रा की बुराई करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता को मालूम है कि इस यात्रा में सच्चाई है। आपके जो गुरु हैं उन्होंने ये रास्ता दिखाया है, ये नया रास्ता नहीं है। गुरु नानक जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। हमने तो कुछ नहीं किया, हमारी तो इतनी मतलब छोटी सी दुकान है। उन्होंने पूरे बाजार को बदल दिया, पूरे बाजार में मोहब्बत फैला दी, और वही रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने जो कहा वही इस यात्रा में हो रहा है। क्या कहा उन्होंने? हर धर्म की इज्जत करो, नफरत मत करो, हिंसा के खिलाफ खड़े हो, लोगों को जोड़ने का काम करो, यही आपके गुरुओं ने कहा था। इस यात्रा में आपको नफरत नहीं मिलेगी। इस यात्रा में कोई गिरता है तो उससे कोई यह नहीं पूछता, भाई तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम करते क्या हो, अमीर हो या गरीब हो, ना, एकदम उठा देते हैं। किसी को चोट लगती है, सारे के सारे लोग मदद करते हैं। किसी को प्यास लगती है, सब लोग पानी पिलाते हैं। ये आपके गुरुओं ने हमें रास्ता दिखाया है, यही यात्रा करने की कोशिश कर रही है। आप यात्रा में शामिल हुए,
आपने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली, इसके लिए आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आखिरी बात जो बाजवा जी ने कही, कांग्रेस पार्टी को एक साथ खड़ा होना है, एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। कांग्रेस पार्टी एक साथ चलेगी, जनता के बीच में जाएगी, जनता से गले लगेगी, उसको कोई शक्ति नहीं हरा सकती। हमारे वर्कर, मैं कहता हूं, हमारे जो वर्कर हैं, बब्बर शेर हैं, शेरनियां हैं, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। आखिरी बात मैं पंजाब से कहना चाहता हूं, देखिए, हिंदुस्तान का हर प्रदेश का इतिहास होता है, हर प्रदेश की हिस्ट्री होती है, हर प्रदेश की भाषा होती है, जीने का तरीका होता है, और पंजाब को पंजाब से ही चलाना जाया चाहिए। यह बात आप, यह मैंने बहुत गहरी बात बोली है। पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए, पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। और मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं, भगवंत मान जी से कहना चाहता हूं, आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो, पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। दिल्ली के दबाव में, केजरीवाल जी के दबाव में भगवंत मान को नहीं आना चाहिए। यह पंजाब का इतिहास है, पंजाब की हिस्ट्री है, और पंजाब की इज्जत की बात है। आपको इंडिपेंडेंटली यहां पे काम करना चाहिए, आपके किसानों मजदूरों की बात, दिल की बात सुनकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर का काम करना चाहिए, किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद।